आज का शिरडी साईं संदेश। आज जन्माष्टमी है और अगली जन्माष्टमी तक तुम्हारे घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। तुम्हारी सोनी गोद भरने वाली है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतज़ार किया है इस खुशी को पाने के लिए। अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे घर भी जल्द ही एक नन्ना सा बाल गोपाल आने वाला है। तुम पहले नासमझ थे और लापरवाह भी थे, लेकिन अब तुम समझदार और अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझते हो। तुम्हें हर चीज़ संभालनी आ गई है। अपनी सेहत का बस ध्यान रखा करो। जैसा तुम सबका ध्यान रखते हो, वैसे खुद का भी ध्यान रखा करो। तुम सबका ध्यान तो पूरी तरह से रखते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो टाल देते हो। जीवन में सुख चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। खुद का भी ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, सबके साथ साथ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि घर में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, घर में मनमुटाव चल रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो भी शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। बस तुम चिंता ना लगाना किसी भी बात की, घर का माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। जब सबको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तब सबका मन अच्छा हो जाएगा। जो चाह रहे हो ना, जो चीज़ें जैसे चाह रहे वैसी होती चली जाएंगी। बस मजबूत बने रहना, अपनी सेहत का खास ध्यान रखना, तभी चीज़ें ठीक भी होंगी। घर में चारों ओर से खुशियाँ आएंगी और घर का माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत गुस्सा करने लगे हो। मैं जब कह रहा हूँ मैं सब ठीक कर दूँगा, फिर भी कभी कभी तुम आपा क्यों खो देते हो? कल जब तुम क्रोधित थे तब मैं वहीं था तुम्हारे साथ में। जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना, तब किसी और का कुछ नहीं जाता, वो अपना ही स्वास्थ्य खराब करता चला जाता है। गुस्सा करने से तुम्हारी रक्त गति बढ़ती है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। क्रोध में आकर तुम गाली गलौज भी करती हो, जिससे तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। कभी भी बुरे आचरण की ओर प्रेरित मत हुआ करो मेरे बच्चों। तुम इतनी दूर मुश्किल से यहाँ तक चलकर आए हो, फिर वहीं लौट जाओगे तो इतनी मेहनत करने का तुम्हारा क्या फ़ायदा? जब जीवन में परिस्थिति समझ में ना आ रही हो कि क्या हो रहा है, तब साई साई रटना, तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। बस तुम कभी किसी का बुरा मत करना, तुम्हारा कभी मैं बुरा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन में शुभ भी शुभ होगा हमेशा। मैं कुछ भी तुम्हारे जीवन में अमंगल नहीं होने दूंगा, विश्वास करना बस। ऐसा जरूर करके देखना, और जब शरीर स्वास्थ्य है अपने प्रभु की भक्ति करिए, इसी में परम सुख भी है मेरे बच्चों। किसी की भी निंदा आलोचना से दुखी मत हुआ करो। इस संसार ने तो ईश्वर तक को नहीं बख्शा है, तो फिर तो तुम इंसान हो, मनुष्य हो, घबराया मत करो। बस अपना ध्यान रखना। बहुत बड़ी खुशखबरी बार बार मैं कह रहा हूँ तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हें दिल खोल के मैं बहुत कुछ दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतज़ार करा है, लेकिन अब इंतज़ार नहीं करवाऊँगा मैं। और बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि तुम संभाले से तुमसे नहीं संभलने वाली। बस जो ये तुम्हारा जज्बा है ना औरों की मदद करने का, ये कभी कम मत होने देना। मैं जानता हूँ कि मन में तुम्हारे कभी कभार बहुत अजीब से और बुरे विचार चलते रहते हैं तुम्हारे, कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, कि तुम्हें कुछ क्यों ही होगा, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। अपने मन से ये बुरे विचार लाना ख़त्म कर दो, मत लाया करो। कुछ भी नहीं होने दूंगा, मेरा विश्वास मानो, मैं कभी भी तुम्हें आज तक नहीं आने दूंगा। थोड़ी बहुत परेशानियां बीमारियां जीवन में आ जाती हैं, लेकिन इनसे घबराया नहीं जाता, इनसे हिम्मत ली जाती है और जीवन में आगे बढ़ा जाता है। जीवन में इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। ये सब दौर तो आते जाते रहते हैं, कभी भी इन सबसे डरना नहीं चाहिए। ये जीवन जीना है तो इनसे घबराना नहीं चाहिए, ज़िंदगी जीना ही मत भूल जाओ इनके कारण, बल्कि इस मुश्किल दौर से तुम्हारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाना चाहिए। पहले तुम अतीत की यादों में कितना खोए रहते थे, किसी ने क्या तुम्हारे साथ गलत किया, किसने तुम्हारे साथ क्या क्यों करा, क्यों छोड़ दिया तुम्हें, इसी के पीछे तुम इन बातों में ही खोए रहते थे। लेकिन अब देखो तुम थोड़ा इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो, इन्हीं कारणों से तुमने कुछ सीखा है।
इसलिए हर परिस्थिति से कुछ जीवन में सीखा करो, घबराया मत करो। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूँ। हमेशा ये जाना करो कि मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं फिर क्यों घबराऊँ, क्यों चिंता करूँ किसी भी बात की। इसलिए बस किसी भी बात की तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम वर्तमान में खुश रहना सीख लो। लेकिन फिर भी तुम अकेले बैठे बैठे कभी कभी गहरी सोच में डूब ही जाते हो, तो तुम्हें ये ख्याल मन में आ ही जाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। ये सब ख्याल तभी आते हैं जब व्यक्ति अपनों से अधिक प्रेम करता है, अधिक प्यार और लगाव करता है। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि सबसे कहता हूँ कि प्रभु का नाम चिंतन करते रहा करो। व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन जी कर ईश्वर की आराधना कर सकता है। अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ सिर्फ 1.5 घंटा 1 घंटा तुम सिर्फ मालिक को दो, तुम्हें वो इस भय से भी मुक्ति करा देगा, इस भय से बचा लेगा। कभी भी जिंदगी किसी भी भय से नहीं जीनी चाहिए। वो परमात्मा, मैं तुम्हारी रखवाली करने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। अपना ध्यान रखा करो और हमेशा खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। जो जिंदगी में पल चल रहे हैं ना, उनको खुशी से जिया करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ बना हुआ है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है। इसलिए मन को खुश रखो, उदास मत रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है, मेरी कृपा ज़रूर बरसेगी। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी।